इस नज़म का अनवान है रशीदा डोमनी। रशीदा डोमनी भोपाल में पैदा हुई, लेकिन अदाएं नाज नखरे गायकी के गुर सभी लाहौर में सीखे। रशीदा डोमनी भोपाल में पैदा हुई, लेकिन अदाएं नाज नखरे गायकी के गुर सभी लाहौर में सीखे। लड़कपन और जवानी अंतरे अस्थाई मुखड़े मुर्कियों की नज़र कर दी। लड़कपन और जवानी अंतरे अस्थाई मुखड़े मुर्कियों की नज़र कर दी, फिर सिवा इस पर ज़बां दानी। जिगर और दाग की गज़लें हों या अख्तर पिया के गीत, इशारे और कनाए रम्ज और मानी दिलों पर धीरे धीरे खुलते जाते। वो कभी मिसरे पलटती और कभी दो लख्त शेरों को सुरों से जोड़ देती। ठीक मखरज और गले का सोजे बेपायां फ़ज़ा में कैफ की चिंगारियां सी फूटतीं, और सुनने वालों के बदन ऐसे दहकते बाला खाना गर्म हो जाता। ठीक मखरज और गले का सोजे बेपायां फ़ज़ा में कैफ की चिंगारियां सी फूटतीं, और सुनने वालों के बदन ऐसे दहकते बाला खाना गर्म हो जाता। मोहल्ले की पुरानी नायनों और धोबनों से उसने बुनियादी सी पंजाबी तो सीखी, दस्तरस उस्ताद काले खान की सोहबत से आई। मोहल्ले की पुरानी नायनों और धोबनों से उसने बुनियादी सी पंजाबी तो सीखी, दस्तरस उस्ताद काले खान की सोहबत से आई। पोठवारी और पहाड़ी लेंदे और माझे के सब लहजे समझती। पोठवारी और पहाड़ी लेंदे और माझे के सब लहजे समझती। शाम जब ढलती वो टप्पे माहिए दोहड़े खनकती बोलियां, और हौके भरती काफियां कुछ इस तरह गाती कि सांदल और नीली बार तक उड़ते परिंदों के परों में बिजलियां सी कौंध जाती। शाम जब ढलती वो टप्पे है माहिए दोहड़े खनकती बोलियां, और हौके भरती काफियां कुछ इस तरह गाती कि सांदल और नीली बार तक उड़ते परिंदों के परों में बिजलियां सी कौंध जाती। गर कभी बीमार पड़ती शहर का मौसम बदल जाता। गर कभी बीमार पड़ती शहर का मौसम बदल जाता, और उसको चाहने और सुनने वाले दाल सालन रोटियां खैरात करते। जब तबीयत कुछ संभलती सब्ज़ बुरका ओढ़ कर वो पाक दामन बीबियों की कब्र पर जाती। रशीदा डोमनी गुजरी, पुरानी नायनों और धोबनों की बेटियों ने उसके चेहलम तक न कंघी की न चोहलें आशिकों को दूर रखा। शहर में उस साल बारिश भी बहुत बरसी। मियानी साहब और अतराफ के बूढ़े फकीर अब भी बताते हैं कि हाड़ और जेठ में इस डोमनी की कब्र पर एक फूल खिलता है। मियानी साहब और अतराफ के बूढ़े फकीर अब भी बताते हैं कि हाड़ और जेठ में इस डोमनी की कब्र पर एक फूल खिलता है। अगर इस फूल की पंखड़ी चबा लें शायरों का फन गुलूकारों का सीना, बेकसों के दर्द से मामूर होता है, खुदा के इश्क की तासीर से पुरनूर होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़ी जी।